आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। मोटा भाई, हमें पता चल गया है कि आपकी नौकरी चली गई है। लेकिन ये बात हम हिंट दे देकर आपके मुंह से कहलवाना चाहते थे। आपको जरूरत क्या थी ये छुपाने की? हमें अपना समझकर ये बता नहीं सकते थे? सारी तकलीफें अकेले झेलने की बुरी आदत है आपको। है ना बा? हाँ, एकदम इसी तरह होना चाहिए सब कुछ। एक बार फिर से रिहर्सल कर दिए। लेकिन बा, मैं कहती हूँ कि इतने लंबे प्लान पर अमल करके एनर्जी वेस्ट करने की क्या जरूरत है? सीधा जाके डांट दे देना मोटा भाई को। डांटना तो तुझे चाहिए। सारा प्लान सुन लिया, उस पर डिस्कस करके रिहर्सल भी कर ली, और अब कहती सीधे जाकर। बा, आप समझ नहीं। मत कर, तो ऐसे सीधे जाकर बोलेगी तो उसे और तकलीफ होगी। उसकी जगह प्रवीण होता तो सारा प्रॉब्लम दूसरों पर डालकर खुद निश्चिंत हो जाता, लेकिन ये अरविंद है। लेकिन बा, वो नहीं मान। बस जैसा कहा है वैसा कर। अब चल जा, मैं तेरे पीछे पीछे आती हूँ। हे भगवान, सब कुछ ठीक कर देना। आ गया। हेलो। अरे, ये आपकी आवाज को क्या हो गया शकुंतला बहन? यहाँ कोई शकुंतला बहन नहीं है भाई। ठीक है ठीक है, उनसे बात करवाओ। अरे नहीं है तो कैसे बात कराऊं? अरे देखो भाई, कैसे और क्या बात करनी है वो मैं देख लूंगा, तुम सिर्फ शकुंतला बहन को फोन दो। अरे मैंने कहा ना, या कोई शकुंतला बहन नहीं है। एक मिनट लट्टू, वो मेरी बात समझ नहीं रहा है, शायद उसने पी रखी है। लट्टू बात कर। कमाल का आदमी है यार, खुद पी रखी है और मेरे बारे में कहता है कि मैंने पी रखी है। आपने पी रखी है? अरे मैंने नहीं, उन्होंने पी रखी है। कौन चाहिए आपको? शकुंतला आंटी, ऐसे ऐसी। अरे यहाँ कोई शकुंतला आंटी नहीं है, ना ऐसे ऐसी, नहीं वैसे वैसी। क्यों क्यों कह दिया? मतलब नहीं है, मतलब नहीं है। लेकिन होनी चाहिए ना। वो बापूजी है ना, बापूजी ऐसे ऐसे वो काला कट्टा पी कराते हैं, वो उनको बात करने की है उनके साथ में, और आप बोलते कि नहीं है, ऐसा थोड़ी चलता है। आसमान से टपके तो खजूर मेटे। खजूर? देखिए ये रॉन्ग नंबर है बापूजी, बोलता है रॉन्ग नंबर है। हो ही नहीं सकता, मैंने सही नंबर डायल किया। बापूजी ने सही नंबर डायल किया है, शकुंतला आंटी उधर ही होगी। अब उधर उधर अंदर जाके देखो। अरे मैं अंदर क्यों जाऊं यार, मैं कह रहा ना शकुंतला आंटी नहीं है यहाँ। तो कभी कभी आती होगी ना। देखो हम लोग के घर पे देवकी है ना, देवकी ऐसे ऐसी सलवार कमीज, वो भी रहती नहीं है लेकिन कभी कभी आती है। तो उसका फोन आता है तो मैं भी उसको बुला के फोन देता हूँ। तो अभी आप भी शकुंतला आंटी को बुलाओ और फोन दो ना उनको। काट दिया अभी, क्या करने का है? रीडायल का। रीडायल करूं, आता है मुझको। वाह मोटा भाई वाह, डेप्यूटी मैनेजर बनते ही काफी चेंजेस आ गए आप में। आपने कॉफी पीना शुरू कर दिया मोटा भाई, वाह। हाँ बेबी, काफी चेंज आ गया है हमारे अरविंद में, हमसे काफी बातें छुपाने लगा है। नहीं बा, वो मैं वो अरे बच्चे, मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन मोटा भाई तो सीरियसली घबरा गए। आप सचमुच कुछ छुपा रहे हैं क्या? नहीं तो मैं क्यों कुछ भी छुपाऊंगा। वैसे बेबी, तो प्रवीण को बताना मत, उसकी साड़ी पर मैंने गलत एम्ब्रॉयडरी कर दी है, वरना शादी के माहौल में वो बखेड़ा कर देगा। लेकिन बा, हम कब तक छुपाएंगे? कभी ना कभी तो पता चलेगा ही ना, ना? अरविंद तू क्या कहता है, प्रवीण से ये सच छुपाना चाहिए या नहीं? बा, बा, मेरे कपड़े इस्त्री होकर आ गए। बा, गलत नहीं है प्रवीण। वाह
मोटा भाई के इस हसीन जवाब के लिए इन्हें अवार्ड मिलता है। क्या दूं अवार्ड? ये रे शाबाश, ये लीजिए मोटा भाई। अरे लीजिए। चुप कर, नौटंकी मत कर प्रवीण। तुझे पता है मैं किस रेफरेंस में बोल रहा हूँ? बात तेरी हेल्प कर रही है। हाँ, और एक अवार्ड। अरे वाह वाह, अपने कर कमलों से मोटा भाई को अवार्ड दीजिए। क्या दूं क्या दूं? हाँ, ये लीजिए। वाह, दीजिए दीजिए मोटा भाई, दीजिए। प्रवीण, अरे तू भी भूलने लगा है क्या? अरे मैंने तेरी साड़ी जो एम्ब्रॉयडरी की है ना, उसकी बात कर रहा है अरविंद। साड़ी? आप संभालिए प्रवीण भाई, संभालिए। हाँ हाँ हाँ, वो काली साड़ी। हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ याद आ गया याद आ गया। बा जरा चंपी कर दीजिए। अरे चलिए फटाफट, संभाल के बेबी संभाल के। हाँ तो बा, वो साड़ी की एम्ब्रॉयडरी हो गई, कल शालिनी स्टोर में डिलीवरी करानी है मुझे। एक दो दिन और। दो दिन और? बा बहुत आलसी हो गई हैं आप, आपसे तो मीनाक्षी ज्यादा फास्ट काम करती है। अच्छा बाबा, आपने धागा कौन से कलर का यूज किया बा? येलो। येलो? काली साड़ी, येलो धागा, क्या आप टैक्सी बनाने जा रही थी? नुकसान करवा दिया ना मेरा, अब 5,000 रुपए काट लूंगा एक तारीख को जब पैसे दूंगा तब। कुछ नहीं सिखाया माँ बाप ने, बस भेज दिया। अरे आपसे तो गट्टू अच्छा बा। ठीक है, मैं शालिनी स्टोर वाले को संभालूंगा, बाकी साड़ियों की डिलीवरी करते वक्त वो काली साड़ी बीच में डाल के। प्रवीण भाई, मैंने साड़ियों की डिलीवरी कर दी है शालिनी स्टोर में, ये लीजिए पैसे। प्रवीण भाई, शालिनी स्टोर वाला बहुत खुश हो गया था आपकी एम्ब्रॉयडरी से, कह रहा था क्या बात है, क्या काम किया है। वो जो ब्लैक साड़ी पे आपने लाल धागे की एम्ब्रॉयडरी की है, क्या हुआ? बा, आपने तो येलो धागा इस्तेमाल किया था ना, तो वो अचानक से लाल कैसे हो गया? बा एक मिनट, मोटा भाई क्या है, जैसे हम बोलते ना कि लाल पीला हो गया, वैसे पीला लाल हो गया। बा ये बा बस हाँ, भांडा फूट गया है, अब मैं ही शॉर्टकट में बोल देती हूँ। मोटा भाई, हमें पता चल गया है कि आपकी नौकरी चली गई है। लेकिन ये बात हम हिंट दे देकर आपके मुंह से कहलवाना चाहते थे। आपको जरूरत क्या थी ये छुपाने की? हमें अपना समझकर ये बता नहीं सकते थे? सारी तकलीफें अकेले झेलने की बुरी आदत है आपको। अरे गट्टू, किससे बात कर रहे फोन पे? शकुंतला बहन को फोन कर रहे हैं, तेरे लिए देवकी का हाथ मांगने। आज तो बात फाइनल होने वाली है। क्या जुगलबंदी चल रही है तुम तीन तिलंगों की? हाँ गट्टू फोन रख। एक मिनट बाबा, बात चल रही है मेरी। हाँ गोविंद भाई बोलो। किस बारे में? दिमाग खराब हो गया है बापूजी और बेबी का। बेबी मुझे नसीहत दे रही थी शादी करने के लिए। अब गट्टू गट्टू फोन रख। अब बापूजी आप क्या? एक मिनट, ए हेमल तू ही बता। हाँ, अगर मैं अपने बेटे को फिर से सेटल करने की सोचता हूँ तो क्या गलत करता हूँ? अच्छी बात है, इसमें गलत क्या है? तू क्या सही गलत का फैसला करने बैठ गया? आज तक घर में पैसे ना देने की गलती करता आ रहा है तू, इस बात का जरा भी एहसास हुआ है तुझे कभी? बापूजी अगर शादी करवानी है ना तो इस मफतलाल की करवाइए, लुक्खा घूमता रहता है। बा ने भी कहा कि जब इसकी शादी होगी ना तब ये घर में पैसे देना शुरू करेगा। ठीक है, मैं चंपा बहन को फोन लगा दूं। नहीं नहीं बापूजी, क्या कर रहे हैं आप? देखिए मेरे लिए लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है। मतलब आपने अपने लिए खुद लड़की चुन ली? ये खुशखबरी मैं टिंपल के पापा को सुना के आता हूँ। राजा रुक रुक, ऐसी कोई बात नहीं है।
तो फिर तू तो चंपा बहन को फोन क्यों नहीं करने दे रहे? गोविंद भाई दो ना शकुंतला आंटी को फोन। नंबर गलत है मेरे बाप। नहीं नंबर सही है, माने खुद ने डायरी में लिखा है और बा कभी गलत नहीं होती। मोटा भाई एक मिनट, एक मिनट कहाँ जा रहा है? मोटा भाई बा गलत है। गट्टू बा कभी गलत नहीं हो सकती। सुना आपने? अरे गट्टू क्यों किसी का भेजा फ्राई कर रहा है तू? हेलो सॉरी सॉरी भाई साहब। कौन कौन? परवीन भाई आप जानते हैं मुझे? अरे जानता भी हूँ और मानता भी हूँ कि मफतलाल को घर में पैसे देने ही चाहिए, फोकट की रोटियाँ तोड़ता रहता है ना। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ इतने सालों से। और घर भी आपके नाम पे होना चाहिए। कई बार बोला है मैंने कि ये घर मेरे नाम होना चाहिए। सुनो सुनो क्या कह रहे हैं ये? क्या कर रहे हैं प्रवीण भाई आप? किसके साथ इतनी पर्सनल बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं वो कौन है? वो बेचारा परेशान होकर बात कर रहा है। हाँ हाँ बराबर है। हेलो सॉरी हाँ सॉरी भाई साहब। नहीं 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 आप सॉरी मत बोलिए, मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना। नहीं नहीं मैं इन तीनों की तरफ से आपसे कोई बहस नहीं करेगा। जो बहस करेगा सीधा घर से बाहर जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना शकुंतला बहन यहाँ नहीं है, उसके लिए मैं काफी शर्मिंदा हूँ। मुझे आप सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दीजिए। आकाश हो या पाताल मैं कहीं से भी उसको ढूंढ के ला दूंगा। देखिए आई प्रॉमिस आपको अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके थैंक यू सो मच। अरे नहीं बापूजी आपने क्या क्या बोला इसे? अरे छोड़ ना गट्टू। अच्छा एक काम कर पार्क में जाके देख मेहुल मिताली और देवकी अब तक आए क्यों नहीं। हाँ और प्रवीण भाई ओ देवकी के पास उसका हाथ होगा तो मैं मांग लूँ आपके लिए। नहीं नहीं हाथ बात के बारे में तो कुछ नहीं बोलेगा। देख ये तेरा मेरा सीक्रेट है। हाँ बोल। अब जा जाओ जा। ए मफतलाल चल अब बापूजी को अंदर ले जाने में मेरी मदद कर वरना यहीं पे मैरिज ब्यूरो खोल देंगे ये। चलिए बापूजी। लेकिन मैं करूँ क्या, मेरी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। बापूजी आप एक काम कीजिए आप मोटा भाई के लिए जॉब ढूंढिए। हाँ जो जिम्मेदारी मुझे प्रवीण ने सौंपी है उसे मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहा हूँ। ये डेप्यूटी मैनेजर जो कि अब डेप्यूटी मैनेजर नहीं है उसके लिए मैंने एक जॉब ढूंढी है। इनसे कह दो बेबी मेरे लिए। इसे कहो कि मैंने इसके लिए एक वेटर की नौकरी ढूंढ ली है बेवफा बियर बार में। पापा दादाजी कुछ बियर बार में नौकरी का कुछ मुझे सुनाई दे रहा है? ये तू जानबूझकर मुझे चिढ़ाने के लिए कह रहा है ना? तू मेरा बेटा है मेरी पार्टी में रहना चाहिए तुझे। तू भी तो मेरा बेटा है तू मेरी पार्टी में रहता है। देखिए मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है लेकिन मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या? डिंपल के पापा का अपमान। फिर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मेरा सेठ वेटर वो भी बेवफा बियर बार में। राजा लोग तेरे बारे में क्या सोचेंगे उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैं वो बेवफा बियर बार में नौकरी करता हूँ। लेकिन पापा आप ही तो कहते हैं ना कि दादी माँ कहती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और वैसे भी आपने तो पीयून की नौकरी भी। हाँ, तो मैं फोन लगाऊं? इनसे कहो फोन न लगाए। मुझे वेटर की नौकरी से प्रॉब्लम नहीं है मुझे बियर बार से प्रॉब्लम है। मैं वहां कदम तक नहीं रखूंगा। अगर मेरा बस चले तो मैं दुनिया के सारे बियर बार बंद करा दूं। तो फिर मेरा क्या होगा रे कालिया? एक मिनट बापू जी आप उनके लिए नौकरी और कहीं ढूंढिए। ठीक है। क्या प्रवीण भाई आपने फिर उन्हें काम पे लगा दिया? वही ना तो। अरे तो अच्छा है ना। वो सब छोड़ बेबी जरा चेक के बता। यस मुबारक हो। ये लो फिर से आ गए। मुबारक हो लड़का हुआ है। ये क्या बकवास कर रहे हैं? ये बकवास हम तुम करोगे बेटा क्योंकि तेरे लिए मैंने हॉस्पिटल में एक नर्स की नौकरी ढूंढ ली। देखो नर्स की नौकरी? बापूजी नर्स जो होती है ना वो लेडी होती है। तो इसका स्वभाव भी लेडीज जैसा ही है। जब देखो कुड़कुड़ कुड़कुड़ करता रहता है और हर बात में प्रॉब्लम निकालता है। अरे गोदावरी तो बचपन में इसे फ्रॉक पहनाती थी। अच्छा
हाँ मेरे पास फोटो भी है। तो तू चुप रह जिगर, तू मणिपाल जा और अपनी पढ़ाई में ध्यान दे, ऐसे नाटक वालों के साथ रहकर। देखा देखा सच बोला तो इन्हें कहो यहाँ से चले जाए, वरना मैं चला जाऊंगा यहाँ से। ठीक है मैं चलता हूँ, फोटो लेके आता हूँ अखबार में छपवाने के लिए। बापूजी मोटा भाई को देख रहा खाना। क्या प्रवीण भाई आप हंस रहे हैं? देखिए बम फोड़े जा रहे हैं। अरे एक सेकंड के लिए मेरे दिमाग में एक ख्याल आया था, सोचो अगर मोटा भाई नर्स हो और हॉस्पिटल हर्षद की हो तो सोचो क्या हो सकता है, सोचो सोचो। एक मिनट डॉक्टर। हाँ, बड़ा महान है। एक मिनट। हेलो डॉक्टर एक मिनट रुको रुको। हाँ तुम्हें डॉक्टर बनाया किसने बताओ? मेरे बापूजी ने। झूठ बोल रहे हो तुम, डॉक्टर सिर्फ माँ ही बना सकती है, जैसे मेरी माँ ने हर्षद को डॉक्टर बनाया। बापूजी कुछ करते ही नहीं, चाहे वो मेरे बापूजी हो तुम्हारे बापूजी हो या लीला के बापूजी हो। मैं अभी के अभी डॉक्टर हर्षद से बात करके तुम्हें अभी के अभी इस हॉस्पिटल से डिसमिस करवाती हूँ। अरे पर कोई बहस नहीं करेगा, जो बहस करेगा वो हॉस्पिटल से सीधा बाहर जाएगा, और तुम तो वैसे भी जा रहे हो ना, चलो जाओ जा। एक बार गले में स्टेथोस्कोप नहीं होगा तो मैं चला लूंगी, लेकिन बा महान है ये लिखी हुई तख्ती तो हमेशा गले में होनी ही चाहिए। अरे सुनो वो एक पेशेंट एडमिट हुआ था इस हॉस्पिटल में कल, उसका क्या हुआ? उसने खाना खाने से मना कर दिया। क्या हुआ क्या है उसे? दिल की बीमारी है, मेरा दिल मेरे काबू में नहीं रहता, कमबख्त उसे हर बार कोई ना कोई लड़की अच्छी लग ही जाती। ये दिल की नहीं दिमाग की बीमारी है समझे। सबसे पहले तो ऐसे विचार करना छोड़ दो, और उस नाटक वाले का नाटक देखना तो बिल्कुल ही बंद कर दो, अपने आप ठीक हो जाओगे समझे। सुनो इसे बा के हाथ के बनाए हुए दो दो पात्रे नाश्ते में सुबह और शाम चाय के साथ, और लंच में बा के हाथ का बनाया हुआ उंधिया पूरी। इन्हें ये सब नहीं दे सकते, इन्हें दिल की बीमारी है, हार्ट पेशेंट को ये सब अलाउड नहीं है, इन्हें ये फ्रूट। नहीं 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 बिल्कुल ही नहीं, फ्रूट्स तो बिल्कुल ही नहीं। अरे पर मेरी बात तो सुन। नर्स मैं हूं या तुम? डॉक्टर हो ना तो डॉक्टर की तरह ही रहो, लीला की तरह बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो जो कहा है इसे खाने में दो। पर सिस्टर। मोटी सिस्टर कह के बुलाओ, बड़ी हूं ना तुमसे मैं। जी श्री कृष्ण मोटी सिस्टर, एक प्रॉब्लम हो गई है, वो प्रवीण भाई लबड़ भाई नाम का पेशेंट है ना, वो किसी दूसरे पेशेंट का टिफिन खा रहे। वो सब छोड़ना, तेरा इंश्योरेंस है? नहीं। यहाँ भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैंने भले इंश्योरेंस का काम छोड़ दिया हो लेकिन मेरी निष्ठा आज भी वही है। सुनो तुम आज ही दो पॉलिसियां निकलवा लो, एक खाने के पहले और एक खाने के बाद, ठीक है? खाने के बाद जा जा। हाँ। और वो प्रवीण भाई लबड़ भाई का क्या करने का है अभी? उसे मैं देखती हूँ। प्रवीण लबड़ प्लीज ये आइडिया गट्टू को मत बताना, वरना गट्टू इस पर पिक्चर बना देगा, मोटा भाई को बसंती और बापूजी को गब्बर बना देगा, और दोनों को हॉस्पिटल में डांस करवाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।